बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्रीड़ा प्रांगण का किया लोकार्पण। सम्मान समारोह में मौजूदा लोगों की आंखें हुई नम। जी हां, फतेहपुर जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा जनपद आगमन के पश्चात प्रथम बार सामूहिक कार्यक्रम में विकासखंड अमौली अंतर्गत चांदपुर कंपोजिट विद्यालय पहुंचे। विद्यालय पहुंचकर सम्मान समारोह का शुभारंभ वैदिक विधि विधान से पूजन के पश्चात फीता काटकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा एवं खंड शिक्षा अधिकारी कुमार सिंह कमल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता अरुण तिवारी एवं कुशल संचालन शिक्षक उमेश त्रिवेदी ने किया। शुभारंभ के पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी ने चांदपुर विद्यालय अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम, हैंडबॉल, बैडमिंटन इत्यादि खेल के मैदान का लोकार्पण किया। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक श्रीकांत वर्मा, शकुंतला देवी एवं सुमित्रा उमर को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह देखकर मौजूद शिक्षकों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर मुख्य रूप से व्यायाम शिक्षक आदित्य पांडे, SRG राधेश्याम दीक्षित, राजेंद्र प्रसाद, अनूप शुक्ला, अश्विनी साहू, शैलेंद्र सचान, डॉक्टर प्रशांत पांडे, आशीष त्रिवेदी, चंद्र प्रकाश शुक्ला, ज्ञानेश त्रिपाठी, निर्मल पाल, सतीश तिवारी, मनीष दीक्षित सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं फतेहपुर से जिला ब्यूरो संवाददाता शोभित शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया था सावित्री की पावन धरती से। उस कार्यक्रम को हम लोग जनपद वाइज आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सर के नेतृत्व में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम एक्टिविटी आप लोगों को अभ्यास कर रहे हैं वही पे ऐसी लगातार सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा कि हमारे प्रतिनिधि स्कूलों की सबसे बड़ी जो समस्या थी कि बच्चे जो है समय से स्कूल नहीं पहुंचते। 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे का स्कूल है तो बच्चे धीरे धीरे आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे विलंब पहुंचते हैं।